बस सपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया एग्जाम ड्रॉइंग का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है मैं कभी अच्छा। सोच के नहीं रखा था कि रैंक टू आएगा मेरा इह, मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल दैट इज द मोटो को कम्युनिकेट करना है और अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना इतनी सी तो बात है द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन गिविंग इफेक्ट ऑफर है हाँ जी है एक्सेप्टेंस है हाँ जी है ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है कोई शक नहीं सर कोई शक नहीं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफर ऑफर का इंपॉर्टेंस एक्सेप्टेंस का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ऑफर को सही तरीका से समझना है एक्सेप्टेंस को समझना है और समझने के साथ ऑफर को कम्युनिकेट करना है तभी तो जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आमने सामने हमने ऑफर दिया आपने एक्सेप्ट कर लिया कोई झमेला है कोई प्रॉब्लम है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ निकॉज वी आर फेस टू फेस आमने सामने में कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एंड प्रॉपर कोई टेंशन नहीं है क्यों नहीं है जी बिकॉज देर इज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस क्या बात है यार अगर पोस्टल से हमने कुछ ऑफर भेजा है सामने वाले ने भी बाय पोस्ट ऑफर का एक्सेप्टेंस भेजा है तो क्या इसे भी हम इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन मानेंगे नहीं सर ये तो इंस्टेंटेनियस नहीं है हो सकता चिट्ठी पहुंचने के बाद उसके मन में आया नहीं नहीं यार ये जो मैंने एक्सेप्टेंस कर दिया ना गलत है वापस से चिट्ठी लिखो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवन टू टाइम इन डिसाइडिंग द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट तो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कम्प्लीट वेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड आमने सामने हमको राम को ऑफर देना तो हम राम को ही ऑफर दे रहे हैं तो राम को पता चल गया कि मुझे ऑफर मिला है राम को पता चलना चाहिए ना राइट right? या हमने कहा शाम को ए शाम तेरे भाई राम को कह देना कि मेरे तरफ से यह ऑफर है और उसके भाई शाम ने अभी तक राम को कहा ही नहीं तो क्या ऑफर कंप्लीट हो गया अरे भाई जब तक राम तक वो मेरी बात पहुंचे नहीं तब तक ऑफर कंप्लीट कैसे हो सकता है बहुत सिंपल सी बात है तो जिसको मैं ऑफर दे रहा हूँ उसके नॉलेज में अगर आ जाए तो ऑफर कंप्लीट है मैंने अपना ऑफर 10 मार्च को बाई पोस्ट लगा दिया तो क्या मेरा ऑफर 10 मार्च को कंप्लीट हो गया बताइए क्या पहुंच गया जिसके पास पहुंचना था नहीं पहुंचा तो हम कैसे कह दें कि ये 10 मार्च को ही मैंने बस पोस्टल में डाल दिया तो मेरा काम कंप्लीट नहीं 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 ये तो भैया गलत हो जाएगा बट ये ऑफर कैसे जा रहा है इंस्टेंटेनियस है नहीं जी कैसा है ये बाई पोस्ट कौन से डेट में डाला है दस मार्च को तो क्या दस मार्च को डालने से मेरा ऑफर दस मार्च को कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए एज पर द रूल जब वो ऑफर जिसके लिए बनाया गया जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक तो वो ऑफर कंप्लीट नहीं होता तो चलो ठीक है देखते हैं लॉ बोल रहे वेन ऑफर इज कंप्लीट वेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन नॉलेज ऑफ द पर्सन मतलब यहाँ डाक बॉक्स में पोस्ट बॉक्स में उसके घर का ये पड़ा हुआ है दस दिन से क्योंकि वो कुल्लू मनाली ऊंची में समर वेकेशन के लिए गए हैं तो पड़ा का पड़ा रहेगा ऑफर जब तक वो वापस आएंगे नहीं खोलेंगे नहीं देखेंगे नहीं अब समझ लो देखने वाले ही थे उतने में किसी का फोन आ गया देखने वाले थे खोल लिए थे खोल लिए थे ऑफर का चिट्ठी खोल लिए थे खोलने से क्या उनके नॉलेज में आ गया कि भाई सामने वाला पांच लाख रुपए में अपना घर बेचना चाहता है क्या आया नहीं आया तो अपने को ये समझना है द वर्ड इज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हूम इट इज मेड

सिर्फ रिसीव करने से काम बन जाएगा नहीं जी नहीं 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 मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेंट इन द लेटर ही रिसीव द लेटर ऑन ट्वेल्थ मार्च बट ही रीड्स ऑन फिफ्टींथ मार्च देखो भैया अब क्या है तीन तीन डेट्स आ गए दस तारीख को उसने भेजा बारह तारीख को उसने रिसीव किया पंद्रह तारीख को उसने पढ़ा ठीक है बच्चों अब आपको यह बताना है कि कब कंप्लीट होता है दस को जब उसने डाल दिया पोस्ट में बारह को जब मिल गया या पंद्रह को जब उसने पढ़ा जैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ मेरे दोस्त कम्युनिकेशन कंप्लीट उस समय हुआ जब जिसके लिए हमने ऑफ़र बनाया था उस तक वो नॉलेज में पहुंच गया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया अब अपने बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड वेन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट कि चलो भैया आपका ऑफ़र हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो ये कब कंप्लीट माना जाएगा क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस उसी ऑफर का एक्सेप्टेंस जब तक कंप्लीट नहीं हो मतलब कंप्लीट नहीं हो तब तक क्या नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा तो पहले ऑफर कंप्लीट हो जब तक ऑफर कंप्लीट होगा नहीं मेरा बात को समझो ऑफर जब तक कंप्लीट होगा नहीं तो एक्सेप्टेंस चालू भी कैसे होगा तो ऑफर हैज़ टू स्टार्ट एंड ऑफर टू एंड एक्सेप्टेंस टू स्टार्ट एक्सेप्टेंस टू एंड बात है एक्सेप्टेंस का एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है राइट तुरंत मैंने अपने फोन को उठाया व्हाट्सएप कर दिया हो गया कम्युनिकेट चिट्ठी लिख दिया टेलीग्राम वापस जवाब दे दिया फैक्स कर दिया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ऑमिशन टू डू समथिंग ऑमिशन मतलब ऑमिट करना मतलब कुछ नहीं करना समझ लो मैंने एक ऑफर दिया कि भाई ये तुम्हारा कार पार्किंग वाला जो एरिया है मुझे पसंद है और अगर तुम मुझे रेंट में देना चाहते हो तो मैं दो हजार रुपया महीना करके रेंट पे देने के लिए तैयार हूँ बट यहाँ पर अभी गुप्ता जी गाड़ी लगा रहे हैं गुप्ता जी गाड़ी लगा रहे हैं गुप्ता जी तुम्हें एक दे रहे मैं तुम्हें दो दूंगा तो अगर गुप्ता जी की गाड़ी यहाँ लगनी बंद हो जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे देने के लिए रेडी हो तो ऑमिशन टू डू समथिंग तो कुछ नहीं करना इट्स अ नेगेटिव वर्ड ठीक है एक्ट इज अटिवर्ड की कुछ करना अब यहाँ गाड़ी लगाना बंद हो गया ठीक है तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑमिशन अगर वो खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि इट इज कन्फर्म की आपकी बात मान गया पब्लिक बस में जब हम बोर्डिंग करते हैं तो मेरा कंडक्ट जो है ये एक्सेप्टेंस दे रहा है मेरा कंडक्ट एक्सेप्टेंस दे रहा है जैसे बस में मैंने चढ़ा तो वो बस जिस रूट पे जा रही है उस रूट का जो भाड़ा है मैं देने के लिए तैयार हूं मैं बाद में ये नहीं बोलूंगा अरे भैया तुमने कोई ऑफर दिया था क्या मेरे को मेरी मर्जी में तो चढ़ गया सिंस देर वॉज नो ऑफर फ्रॉम योर साइड सो इफ देर इज नो ऑफर हाउ कैन आई एक्सेप्ट इफ़ आई कैन नॉट एक्सेप्ट हाउ कैन देर बी अ कॉन्ट्रैक्ट ये बात नहीं कर सकते ये अपने आप में ही जो बस इस रूट पे जा रही है ये अपने आप में ही एक ऑफर है कि इस रूट पे बस चल रही है और अगर आप इस रूट के बस पे चढ़ते हो तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो भाड़ा आपको देना है वो आप देने के लिए तैयार हो इसका मतलब आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया ना आपने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा मगर आपस में बन गया एक ऑब्लिगेशन कि मैं आपको इस रूट तक तो छोड़ूंगा ही मैं तो जा रहा हूं इस रूट पे तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं आपको मेरे को इस रूट तक का पैसा देना है ठीक है जी वेंग मशीन में जब हम चढ़ते हैं दो रुपया का या एक रुपया का सिक्का डालते हैं तो टिकट निकल के आएगा आपका वजन इतना है और आज का दिन आपके लिए ये लकी है ऐसा है वैसा कुछ लिखते हैं तो अपने आप में ये कम्युनिकेशन हो गया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं वो वेइंग मशीन बोलता है कि एक रुपया डालोगे तो वजन बताऊंगा मैं चढ़ जाता हूं और एक रुपया मुंह से तो कुछ बोल नहीं रहा वो तो मशीन है तो मेरा उस मशीन पर चढ़ना और चढ़कर एक रुपया डालना एक ऐसा कंडक्ट है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं मियर मेंटल यूनिलैटरल एसेंट इन वन ओन माइंड वुड नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन मैं अपने मन में सोच रहा हूं मन में सोचने से नहीं होगा कम्युनिकेशन हमने बात किया लेट से ए ऑफर कर रहा है और बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा हमने कहा कि 10 तारीख को ए ने ऑफर को भेजा हमने कहा 12 तारीख को पहुंच गया 15 तारीख को उसने पढ़ा तो हम ये बोलते हैं कि ऑफर का जब हम बात करते हैं तो ऑफर कंप्लीट कब हो रहा है ऑफर कंप्लीट कब हो रहा है किसके लिए कंप्लीट हो रहा है ए के लिए ऑफर कंप्लीट किसके लिए हो रहा है ए के लिए ए के लिए ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है जब बी के नॉलेज में आ जाए मतलब पंद्रह तारीख नॉलेज में आए पंद्रह तारीख तो यही ऑफर इसी हिसाब से बी ने सोलह तारीख को चिट्ठी डाला अठारह तारीख को पहुंचा बीस तारीख को ए ने पढ़ा तो बी के लिए बी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाएगा इस तारीख को बी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा बीस तारीख को वही सेम सेम नॉलेज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर सेम चीज और ए के लिए ए के लिए क्योंकि ऑफर तो हो चुका है दो चीज होता है दोस्त ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है जब हमने ए से बी तक पहुंचाया था तो मामला सिर्फ और सिर्फ ऑफर का था अब जब बी ए को कुछ भेज रहा है तो एक्सेप्टेंस का भी मामला चालू हो गया ए के लिए ऑफर कब कंप्लीट जब बी उसको पढ़ लिया है ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट ए के लिए जब उसने 16 तारीख को भेज दिया तो ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट सोलह तारीख को ए के लिए ऑफर कब कंप्लीट पंद्रह तारीख को जब ए को बी ने भेज दिया सोलह तारीख को तो ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता ए के लिए मगर बी के लिए वही फंडा मैंने भेजा है बट जब तक बी इस एक्सेप्टेंस को नॉलेज में नहीं है तब तक कंप्लीट नहीं क्या फर्क पड़ता है सर इससे दोस्त इससे फर्क पड़ता है आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक है क्योंकि जब तक बी के लिए यह कंप्लीट नहीं हुआ है सोलह तारीख को इसने भेजा ऑर्डिनरी पोस्ट से अब समझ लो बी ने इरादा बदल दिया है इसे मालूम है कि मैं सोलह को भेजा हूं। ऑर्डिनरी पोस्ट 20 तारीख तक पहुंचेगा ठीक है 20 तारीख को क्या पहुंचेगा बी का एक्सेप्टेंस पहुंचेगा अब समझ लो बी ने इरादा बदल दिया बी ने इरादा बदल दिया 20 तारीख को पहुंचते के साथ अब तो भैया बी कुछ नहीं कर सकता अगर यह एक्सेप्टेंस पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस पहुंचने का मतलब क्या है यहां पर बॉम ब्लास्ट होना बम ब्लास्ट गन पाउडर यहां है इसका एक्सेप्टेंस मतलब स्टिक पहुंच गया अब अगर ये भाई साहब चाहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस से पहले मैं मना कर दूं और इन्होंने ऑर्डिनरी पोस्ट की जगह स्पीड पोस्ट लगा दिया और ये स्पीड पोस्ट 18 तारीख को पहुंच जाता है और 18 तारीख को आंसर है नो तो ऑफर का एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दिया गया कि नहीं नहीं मैं तो भाई ना बोल रहा हूं जी तो कहां उसने एक्सेप्टेंस भेजा था एक्सेप्टेंस तो बाद में आएगा बट वो पहले ही भेज दे रहा कि कुछ मैंने जो एक्सेप्टेंस भेजा है ऑर्डिनरी पोस्ट से बट मैं जो एक्सेप्टेंस नहीं करना मुझे इसमें मना करना है तो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तक बना नहीं है तो ए को बेचारे को क्या मिला ए का ऑफर के बदले में जवाब क्या मिला एट द एंड ऑफ द डे ए ने एक बड़ा प्यारा ऑफर भेजा ने ऑफर भेजा दस तारीख को तो क्या जवाब दस तारीख को मिल जाएगा नहीं मिलेगा बी को ऑफर मिला बारह तारीख को पहुंचा लेटर तो क्या अपने बोलेंगे लेटर पहुंचने से ऑफर मिल गया नहीं बोलेंगे तो अपने क्या बोलेंगे बी को ऑफर नहीं मिला बारह तारीख को लेटर पहुंचा है बारह तारीख को जिस दिन बी ने लेटर खोला पंद्रह तारीख को पढ़ा उस दिन हम बोलेंगे कि एक ऑफर बी तक पहुंच गया है ठीक है जी ऑफर पहुंच गया है क्योंकि यह पूरा प्रोसेस लेटर टू लेटर खेला जा रहा है लेटर पोस्टल डिपार्टमेंटल का गेम चल रहा है सामने सामने नहीं चल रहा है। सामने होता ऑफर मिला उसने यस कर दिया या नो कर दिया क्लियर बात अब ऑफर तो कंप्लीट हो गया जी पंद्रह तारीख को उसने ऑफर पढ़ लिया है अब यह ऑफर का यस जब तक वापस घूम के ए के पास नहीं आया अरे वाह भैया वाह मेरा ऑफर पांच लाख रुपया में मैं घर बेचना चाहता था और बी खरीदने के लिए तैयार है चलो जश्न मनाओ बी खरीदने के लिए तैयार है तो वैसे ही वो जो बी ने लेटर भेजा है वो लेटर मेरे पास आए मैं उस लेटर को खोलूं, उस लेटर को पढ़ूं, मैंने पढ़ लिया बी तैयार है तो कंप्लीट हो गया ये साइकिल पर उससे पहले उसने भेजा तो कंप्लीट उसने भेजा हाँ मैं तैयार हूं ऑर्डनरी पोस्ट से उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट में एक फायदा है क्योंकि पोस्ट से आपका एक्सेप्टेंस जा रहा है तो धीरे 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 धीरे, धीरे जा रहा है राइट right? और पोस्ट पहुंचने से पहले स्पीड पोस्ट लगा दिया उसने पोस्ट, ए ए पोस्ट स्पीड पोस्ट तो तेरा काम पता है क्या है क्या है उस पोस्ट को हराना है वो जो पोस्ट मैंने किया है उसको हराना है तेरे को उससे पहले पहुंच जा क्योंकि उसमें मैंने लिखा यस तेरे को मैं बोल रहा हूं नो और अगर तू उससे पहले नहीं पहुंचा कोई फायदा नहीं है तेरे को ज्यादा पैसा दे रहा हूं स्पीड पोस्ट में ज्यादा पैसा लगता है ऑर्डिनरी पोस्ट में कम पैसा लगता है तो स्पीड पोस्ट को अरे मेरा प्यारा मुन्ना ज्यादा पैसा दे रहा हूं और कैटबरी दूंगा तू भाग के जा उससे भी तेज जा और बोल दे उसको कि नहीं नहीं मंजूर नहीं तो ये बात क्लियर है तो अगर वो पहले पहुंच गया स्पीड पोस्ट तो जो उसने यस भी कहा था वो भी नो हो जाएगा और कोई वजह से स्पीड पोस्ट बेचारा कितना भी स्पीड पहुंचे और नहीं पहुंच पाया पोस्ट ने उसे डिफीट कर दिया तो फिर ना बोलने का कोई वैल्यू नहीं रह जाता क्योंकि आपका यस पहले पहुंच चुका है यस पहुंचने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कॉन्ट्रैक्ट में फिर आप ना बोल रहे हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्लियर तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कुछ भी कर लो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ना लुकुर करोगे तो वो गलत हो जाएगा ए ने कुछ प्रपोजल दिया बी ने उसको नॉन एक्सेप्ट किया एन ए ना तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि तो इसने तो ना कह दिया ये सारा झमेला क्यों हो रहा पोस्टल डिवीजन के कारण हो रहा है पोस्टल डिवीजन में क्या हो रहा है हमने भेजा हां हमने भेजा हां ठीक है बाद में विचार आया कि नहीं नहीं हां को कर देते हैं ना ठीक है तो ये हाँ एंड ना हाँ एंड ना का जो कंफ्यूजन है वही कंफ्यूजन हाँ भेज कर ना तो हाँ भेज तो दिया बट वो हाँ भेजा हुआ भी ना कर सकते हैं क्या वही समझना है तो ऑफर एक्सेप्टेंस अगर हमने ऑफर 10 तारीख को भेजा उसने 12 तारीख को रिसीव किया 15 तारीख को पढ़ा तो ये पंद्रह तारीख को आ गया एक प्लस यहाँ पर पंद्रह तारीख को तो ये लिख दो यहाँ पर प्लस और पंद्रह कोई डाउट कोई डाउट नहीं अच्छा इसने पंद्रह तारीख को पढ़ा तो ये ऑफर में प्लस लिख दो पंद्रह तो ये एक तरीका से अगर डेट को समझे हम लोग तो ऑन द डेट ऑफ फिफ्टींथ पंद्रह तारीख को ए एंड बी दे बोथ वर इन द सेम पेज स माई ऑफर इज बीन कम्युनिकेटेड एंड नम टू दॉलेज ऑफ बी अब हो क्या रहा है बीस सोलह तारीख को बीस सोलह तारीख को अपना एक्सेप्टेंस भेज रहा है बट क्या ये सोलह को पहुंच रहा है समझ लो ये पहुंचेगा बीस को अगर ये बीस को पहुंचेगा तो दोस्त बीस तारीख को यहां प्लस होगा कितना तारीख को बीस तारीख को इसके लिए और ए के लिए कितना तारीख को प्लस होगा सोलह तारीख को तो बस यही समझ लो अगर इस तरीके से करेंगे जिंदगी में कोई चीज रॉन्ग नहीं हो सकता अब प्रॉब्लम्स क्या आते हैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो अगर अब हम बात ए का करें तो यहां पंद्रह यहां सोलह सोलह तारीख से ए इस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो गया है। क्योंकि 16 तारीख को ए के पास ऑफर भी है एक्सेप्टेंस भी है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों है 16 तारीख को तो ए इज बाउंड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बी फ्रॉम सिक्सटींथ अब अपने को यह समझना कि क्या बी इज बाउंड टू ए ऑन सिक्सटींथ दैट इज द क्वेश्चन अब ये रूल क्या बोल रहा है कि यहां पर एक्सेप्टेंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बी के लिए एक्सेप्टेंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ तो बी के पास ऑफर तो है पंद्रह को सोलह को उसने अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया है बट अभी तक यहां पर जब तक ये पहुंचेगा नहीं एक्सेप्टेंस जब तक एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचेगा नहीं हम यहां पर एक्सेप्टेंस पे प्लस नहीं लिख सकते और किसी भी वक्त मेरे दोस्त अगर ये एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस बन जाए और नॉन एक्सेप्टेंस पहुंच जाए ए तक तो ये ए का भी बाउंडेशन खत्म जब ये नॉन एक्सेप्टेंस का मैसेज एक आ गया है तो फिर ए बोलेगा भैया तब काहे का बाउंडेशन का तुमने तो मना कर दिया ठीक है अब यही समझना है अब होता क्या है सोलह को उसने भेजा है 16 को भेजा है ऑर्डिनरी पोस्ट से जो पहुंचेगा बीस तारीख तक अब अगर सत्रह को इसने भेज दिया स्पीड पोस्ट से और ये स्पीड पोस्ट पहुंच गया उन्नीस तारीख को उन्नीस को पहुंच गया तो उन्नीस को ए के पास माइनस हो गया नॉन एक्सेप्टेंस और उन्नीस तारीख को यहां पर भी हो गया माइनस क्योंकि यहां एक्सेप्टेंस की जगह आया नॉन एक्सेप्टेंस तो माइनस तो अपने को यह समझ में आ गया कि यह कॉन्ट्रैक्ट तो बनना नहीं ठीक है तो यहाँ उन्नीस लिखेंगे हम लोग अब ये चीज समझ गए हैं ये ड्रॉइंग समझ गए आगे नेक्स्ट डे हम इसको लेकर आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा तो चलो दोस्त आज के लिए इतना ही वी विल अगेन कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन